अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बलरामपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब परिवहन करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों के पास से एक कार 231 लीटर शराब बरामद की है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में वाटर्स नगर में बड़ी कार्रवाई नाके पे करते हुए कल करीब 231 लीटर शराब जब्त की गई है। ये शराब जो परिवहन कर रहा था टाटा सफारी गाड़ी में कर रहा था, तो उसमें जो उसका ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, दया शंकर गुप्ता को। और इसमें आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी कर दी गई है। इसमें कुल जो जब्ती माल है उसकी कीमत गाड़ी में जाके करीब 5,80,000 से ऊपर अमाउंट इसमें जब्ती हुआ है। और ये जो गाड़ी आ रही थी ये एलपी के बैटन से आ रही थी और सूरजपुर छत्तीसगढ़ की तरफ जा रही थी, तो पूरी लिंक की भी एनालिसिस किया जा रहा है और जो जो लोग इसमें शामिल सबके ऊपर कार्रवाई भी की है।